देश इस वक्त कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रहा है। वही सरकार की ओर से अब शराब की दुकानों को खुलने की मंजूरी मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उठ रही है। मामला फिलहाल यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर लंबी कतारें शराब की दुकानों के बाहर दिखाई दी है। जनपद में शराब के ठेके खुलते ही कोहराम मच गया। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी, लंबी कतारों में लोग लाइन में दिखे और हर तरफ शराब को लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जो काफी निंदनीय था। लोग ये भूल गए कि देश इस वक्त एक महामारी से जूझ रहा है। वहीं इस मौके पर एचबीएन की टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। एरिया में ठेका जो खोले गए थे, पुलिस प्रशासन है भी या नहीं? नहीं, पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं है यहाँ पर, इस समय भी कोई नहीं है। कितने बजे ठेका खुला था जी? दो बजे खुला था। पुलिस प्रशासन यहाँ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। लेबर आई थी, 5 मिनट रुकी, चली गई। तो ये लोग तो बिल्कुल लंबी कतारों से लगे हुए, उनको जरा भी डर नहीं होगा। पुलिस प्रशासन क्या कहोगे, यहाँ पर आया जाए ना आया जाए? ये आना चाहिए, या तो ये बंद कराना चाहिए। अब जैसे जैसे लोग बाबा को कह रहे हैं घर में रहो, फिर ठेका बंद होने चाहिए।